अध्याय 5 आधुनिक युग में मानसिक उपचार। वह कौन सी चीज है जो उपचार करती है? यह उपचारक शक्ति कहाँ रहती है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम हैं। इन सभी का एक ही जवाब है। उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से यह सक्रिय हो जाती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक, उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है, ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। इसी तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है, ताकि उपचारक प्रवाह सामान्य ढंग से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान, लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रवाह के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को कई तरीकों से हटा सकते हैं। आपके अवचेतन मन में रहने वाला यह उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा, बशर्ते आप या कोई दूसरा व्यक्ति इसे सही दिशा दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करता है, भले ही उनका पंथ, रंग या जाति कोई भी हो। इसका प्रयोग करने और इस उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। आपका अवचेतन आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक या संशयवादी हों। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले या पादरी बाइबल के आदेश का पालन करते हैं, यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं, शिथिल कर लेते हैं और असीमित उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। अपने भीतर मौजूद वे अपने मस्तिष्क का द्वार सभी बाहरी व्यवधानों तथा वस्तुओं के लिए बंद कर लेते हैं। फिर वे अपना आग्रह या इच्छा अपने अवचेतन मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें सही जवाब देगा। जानने की सबसे अद्भुत बात यह है कि इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। असीमित जीवन सिद्धांत आपके चेतन चुनाव और आपके चेतन आग्रह पर प्रतिक्रिया करेगा। यही इस वाक्य का अर्थ है कि विश्वास रखें कि आपको मिल गया है और आपको मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करते समय आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक यही काम करता है। उपचार की एक प्रक्रिया। दुनिया की हर चीज में सिर्फ एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे वह बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा या धरती हो। क्योंकि हर चीज सजीव है, यह जीवन सिद्धांत प्राणी, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में काम करता है। क्योंकि मनुष्य इस जीवन सिद्धांत के बारे में चेतन रूप से जागरूक होता है, इसलिए हम खुद को अनगिनत तरीकों से लाभ पहुंचाने के लिए इसका सचेतन प्रयोग कर सकते हैं। इस शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करने के कई भिन्न तरीके, तकनीकें और विधियां हैं, लेकिन उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह है आस्था। क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। विश्वास का नियम। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप हैं और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या हैं?
जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है जिस कारण अवचेतन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। आपको एहसास करना चाहिए कि जब बाइबल आस्था का जिक्र करती है तो यह किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फॉर्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही है, यह तो स्वयं विश्वास के बारे में बोल रही है। आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। अगर आप विश्वास कर सकें तो उसके लिए हर चीज संभव है जो विश्वास करता है। मार्क चैप्टर 9 पैरा 23। किसी ऐसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है जो चोट या नुकसान पहुंचाए। याद रखें, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वह आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती है। यह तो आपके मस्तिष्क का विश्वास या विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब हैं। प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा या प्रेयर थेरेपी मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता अनुभव करते हैं। जब आप अपने मानसिक नजरिए में पूर्ण आस्था रखेंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म है। मान लें आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वह जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयाक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप अपने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। आप खुद को यह भी याद दिलाते हैं कि यह हर बीमारी का उपचार करने में सक्षम है। जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार सोचते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इनकी सच्चाइयां विश्वास से जूझती हैं और अंततः गलत याद उन्हें परास्त कर देती है। आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा। फिर आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती है। प्रार्थना करते आप स्थितियों को जरा समय नकारात्मक सी भी शक्ति नहीं देते हैं या पल भर के लिए भी यह नहीं सोचते हैं कि उपचार नहीं होगा। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है? जिसे लोग आस्था उपचार या फेथ हीलिंग के नाम से जानते हैं वह दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वह व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल व्यक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। हो सकता है कि वह उपचार की विशेष क्षमता का दावा करे और उसमें या उसकी शक्तियों में रोगी की अंधी आस्था, ब्लाइंड फेथ, उसे ठीक कर दे। दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक उपचार अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी संत के स्मृति चिन्ह छूकर, खास गंडा बांधकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या विशेष जड़ियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज रोगी को उस तरीके या प्रक्रिया में सच्चा विश्वास दिलाएगी वह उपचार को
अधिक संभव बना देगी। जो भी चीज आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएगी, आपका इलाज कर देगी। कई लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसलिए वे सही और सच हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं, यह सच नहीं हो सकता। अंधी आस्था किस तरह काम करती है, इसके लिए स्विस उपचारक फ्रेंज एंटन मैस्मर के बारे में सोचें, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 1776 में उन्होंने अपने मरीजों को शरीर से चुंबक छूकर इलाज करने का दावा किया था। बाद में उन्होंने चुंबक छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपना हाथ घुमाकर इलाज किया। यह तरीका भी कारगर हुआ। इस नई तकनीक की सफलता को समझने के लिए मैस्मर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि यह द्रव वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे सक्रिय है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय द्रव उनके हाथों से बीमार शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीयता का यह स्थानांतरण उनका उपचार कर देता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचारों का दावा किया गया। मैस्मर पेरिस आ गए। वहां की सरकार ने उनके इलाजों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। सघन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मैस्मर ने बीमारों को सचमुच ठीक किया था। हालांकि उनके चुंबकीय द्रव सिद्धांत को यह भी कहा गया कि सही साबित करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है। यह अनुमान लगाया गया कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। इसके ठीक बाद मैस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मैस्मर के उपचारों से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रेड ने पाया कि रोगी को सुझाव देकर सम्मोहित तंद्रा या निद्रा में भेजा जा सकता था। रोगियों के सम्मोहित तंद्रा में रहते समय वे कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मैस्मर ने प्राणी चुंबकीयता को दिया था। आप देख सकते हैं कि ये सभी उपचार निसंदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के सशक्त सुझावों द्वारा संभव हुए थे। इसे अंधी आस्था कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि न तो मरीज ना ही उपचारक को यह समझ थी कि ये उपचार कैसे हुए। कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ। किसी व्यक्ति का कल्पनावादी यानी सब्जेक्टिव अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी ऑब्जेक्टिव मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह दूसरों के सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मानसिक उपचारों के लिए विशुद्ध कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी या चेतन मन के सक्रिय विरोध का अंत करना है। जाहिर है, शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि चेतन और अवचेतन दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हो। बहरहाल, यह हमेशा जरूरी नहीं होता है। आप अपने मन और शरीर को शिथिल करके उनींदी अवस्था में पहुंच सकते हैं और निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। इस उनींदी अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशील बन जाती है। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा, ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया? जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से, धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव
और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। अगर इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल असफल हो जाते। बहरहाल उन्हीं दी निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील था। इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ। मान लें आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आपको यह खबर मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। आपकी पहली इच्छा तो होती है कि आप घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर यह संभव ना हो तो क्या आप अपनी माँ के ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद ना हो लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच सकती हैं। परमपिता सबके भीतर रहते हैं। रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन पर काम करता है। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होते हैं। मस्तिष्क सिद्धांत में समय स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। वही मस्तिष्क आपकी माँ और आप में काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। वास्तव में कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता है जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका उपचार विचार की चेतन गति है। जब आप स्वास्थ्य, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं तो ये लक्षण आपकी मां में प्रकट होंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। यहां असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार यानी एब्सेंट ट्रीटमेंट मान लिया गया। लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी मां को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वह अपनी मां के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह प्रार्थना की, उपचारक शक्ति मेरी मां के पास है। उनके शरीर की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। मैं जानती हूं कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीजों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखाती हैं। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी मां के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूं। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी मां का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टरों को दैवी मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी मां को छू रहा है उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूं कि रोग अंतिम सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूं। मैं जानती हूं और यह आदेश देती हूं कि मेरी मां के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसने दिन में कई बार यह प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी मां की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान था और उसने ईश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बधाई दी। बेटी के मस्तिष्क के पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया।
यह उसकी माँ के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपने माँ के बारे में जो सोचा वह उसकी माँ के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। अवचेतन मन के गतिशील कर्म को सक्रिय करना। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली हैं। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हां करने से पहले मेरी मित्र ने एक और तकनीक आजमाई। हर रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी कि हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण दोष रहित और आदर्श बन रहा है। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। लगभग एक महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद के परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची हैं। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया, एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। यह भी ध्यान दें कि सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। मैं प्रबलता से सुझाव देता हूं कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम न लें, खास तौर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में। उन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वह है आपका ध्यान और डर। ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया है उसकी तरह मानसिक सर्जन बने, फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएंगी जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। आप उस गतिशील कर्म को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं, आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा ये कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं कि वही चीज हो गई जिसका मुझे बड़ा डर था। अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयां भरें और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़ें। आपकी सेहत बढ़ाने के सूत्र। पहला, पता लगाएं कि वह कौन सी चीज है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। दूसरा, अवचेतन मन को अपने आग्रह या इच्छाएं बताने की एक निश्चित योजना बना लें। तीसरा, इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। चौथा, फैसला करें कि विश्वास क्या है। जान लें कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। पांचवा, बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवीय मार्गदर्शन में विश्वास करें। छठा, आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। सातवां, अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीर चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। आठवां, हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि ज्ञान से कि आस्था समझ में आती है। नौवां, अंधी आस्था का मतलब है कि उपचारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। दसवां, अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत कर लें। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट होंगे।
छठा अध्याय, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक या आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या को हल करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकों और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यवहारिक तकनीक पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यहां हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सकें, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्मपरायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति, चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। जैसा हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सराबोर करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है, ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। जान लें कि आपके इस ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें, इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, यह अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी एक घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन करे। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नजर रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली के तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी
और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें। आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हों, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क के छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है, इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीजों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीजों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। आइए सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में ज्यादा गौर से सोचें। यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती हैं, जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके इसके पीछे का विज्ञान रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। Matthew 7:7। यह बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है, आप जो चीज मांगेंगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पालेंगे। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा, आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक कर्म है, को पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा, तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें गतिविधि पर असीमित ज्ञान और असीम शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आंख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे यह साकार हो। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। इसी तरह
आप मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वह पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं। उनकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभरेगी। यह सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी अट्टालिका या एक मंजिला मकान हो सकती है, लेकिन यह सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अंततः कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठी करते हैं और इमारत बनने लगती है। पूरी होने पर आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता हूं। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूं ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुंचा सकूं। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूं। इसकी कुर्सियां पुरुषों और महिलाओं से भरी हैं। वे अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित हैं। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र देखता हूं। अपनी कल्पना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूं और कल्पना करता हूं कि लोग कह रहे हैं, मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कायापलट हो गया। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूं। मैं खुद को यह एहसास दिलाता हूं कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं मन में जनता की आवाजें सुन सकता हूं जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूं और मंच पर पहुंच जाता हूं। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूं तो हर बार कुछ लोग बाद तक रुककर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। मानसिक फिल्म विधि। जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूं और मैं सचमुच मौजूद रहूंगा। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफी दूर दूर तक यात्रा की लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन, वॉशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहां आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे यह वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन मेरे मिडवेस्ट के एक संस्थान का फोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर पद देना चाहते थे। मैंने स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि
मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खास उपयोगी लगती है, जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में यह संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं, विश्राम करें और उनीदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। अब अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें। चेक पाने पर खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाएं। आपको इस तरह काम करना है जैसे यह सच हो चुका हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा तथा इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। बोडोइन तकनीक। चार्ल्स बोडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उनीदी निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं, फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत निष्क्रिय ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है। जैसा बोडोइन ने स्पष्ट किया, ऐसा करने यानी अवचेतन मन को भरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है। इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बोडोइन तकनीक बताई। मैंने उसे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले, ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वह था, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों में रही थी द्वारा काम कर सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। 10 रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उनीदी अवस्था में पहुंची। फिर उसने धीरे धीरे शांति और भावना से यह वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ, फिर वह गहरी सामान्य नींद में सो गई। 11वें दिन सुबह जागने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि यह सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया। विपक्षी वकील और उसके मुवक्किल समझौते के लिए तैयार हो गए थे। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। नींद की तकनीक। उनीदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उनीदी अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। मान लें
आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें और स्थिर हो जाएं। उन्नीदी अवस्था में जाएं और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूं। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूं। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट के लिए धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फॉर्मूले को दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। धन्यवाद तकनीक। बाइबल में पॉल सुझाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी ओर असंख्य नियामतें प्रवाहित होती हैं। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वह महिला ये शब्द दोहराती रही, परमपिता, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिल शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आवाहन कर रही है। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी, वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी और उसे यह एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण, फर्स्ट कॉज था, जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी, जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा था। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहरा कर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला, जिससे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव न करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में है। मान लें स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए, यह तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं,
तथा जब आपको यह एहसास होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत हैं, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है, चाहे स्थिति कैसी भी दिखे। एक पल के लिए विचार करें, गणित का एक सिद्धांत होता है लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है लेकिन बेईमानी का नहीं होता। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है लेकिन अज्ञान का नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है लेकिन मन मुटाव का नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है लेकिन बीमारी का नहीं होता। और समृद्धि का एक सिद्धांत होता है लेकिन गरीबी का नहीं होता। जब इंग्लैंड के अस्पताल में गॉलस्टोन्स हटाने का मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक घोषणा के तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझसे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 6000 मील से ज्यादा दूर था लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता। असीमित मन या बुद्धिमत्ता एक ही समय में हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहती है। दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोग के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा की। यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूं। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत। अवचेतन मन की जिस उपचारक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया है, वह अब उसके अस्तित्व की हर कोशिका, स्नायु, ऊतक, मांसपेशी और अस्थि को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी स्वीकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। अब वह उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नदी की तरह प्रवाहित हो रही हैं, तथा उसे पूर्ण सामंजस्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियां और कुरूप स्वास्थ्य छवियां अब उसमें प्रवाहित हो रहे प्रेम तथा शांति के असीमित समुद्र से धुल रही हैं। यही हो रहा है। 2 सप्ताह बाद मेरी बहन की एक बार फिर से जांच हुई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं निकली। उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। सकारात्मक घोषणा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे विपरीत प्रमाणों के बावजूद इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज से इनकार करते हैं, तब भी आप दरअसल उस चीज की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना यह जानना है कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां यह आपकी कही बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। तर्कपूर्ण विधि। यह तकनीक इसके नाम के अनुरूप है। यह डॉक्टर फिनीज पार्क हरूट किविम्बी के अद्भुत कार्य से विकसित हुई है। डॉक्टर किविम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी थे और एक सदी से भी पहले बेलफास्ट मैन में इलाज करते थे। वे दरअसल मनोदैहिक यानी साइकोसोमिस्ट चिकित्सा के जनक और प्रथम मनोविश्लेषक थे। उनमें मरीज के कष्ट और दर्द के कारण को अतीन्द्रिय तरीके से भांपने की उल्लेखनीय क्षमता थी। संक्षेप में कहा जाए तो तर्कपूर्ण विधि, जिसका प्रयोग
किविम्बी ने इतनी सफलता से किया था आध्यात्मिक तर्क पर आधारित है। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वासों, निराधार डरों और नकारात्मक ढांचों के कारण है। आप अपने मस्तिष्क में स्पष्टता से इस पर तर्क करते हैं और रोगी को विश्वास दिला देते हैं कि बीमारी विचार के एक विकृत ऐंठन भरे ढांचे के कारण है जो शरीर में प्रकट हो गया है। किसी बाहरी शक्ति या कारणों में गलत विश्वास अब रोग के रूप में बाहर आ गया है, लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। आप रोगी के सामने स्पष्ट करते हैं कि विश्वास का परिवर्तन ही हर उपचार का आधार है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन ने ही शरीर और इसके सभी अंगों की रचना की है, इसलिए यह जानता है इसका कैसे उपचार होता है, इसीलिए यह इसका उपचार कर सकता है और यह आपके बोलते समय भी ऐसा ही कर रहा है। अपने मन की अदालत में आप बहस करते हैं कि रोग मस्तिष्क की विकृत विचार छवि की छाया है। आप अंदरूनी उपचारक शक्ति के समर्थन में जितने भी तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उतने जुटाते हैं। आखिर इसी शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है और इसमें ही हर कोशिका, स्नायु और ऊतक का आदर्श तंत्र है। फिर आप अपने मस्तिष्क की अदालत में अपने तथा रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप आस्था और आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण अजेय है। चूंकि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह है। दुनिया भर में कई लोग इस विधि से प्रार्थना उपचार करते हैं और उन्हें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। परम विधि यानी एब्सोल्यूट मेथड का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर और उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है। जैसे ईश्वर परम आनंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता है। जब वह इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर में मौजूद हर गड़बड़ चीज को डुबा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो रहा है। जो भी कष्टकारी या परेशानी भरा है, वह जीवन और प्रेम के असीम महासागर की मौजूदगी में अब पूरी तरह गायब हो चुका है। प्रार्थना की परम विधि है कि तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजलिस की एक विख्यात डॉक्टर ने मुझे हाल ही में इसके बारे में बताया। यह महिला डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है, वह हाई फ्रिक्वेंसी की सशक्त स्वर लहरें उत्पन्न करती है। जब इन्हें शरीर के असामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती हैं। ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना में जितना ऊपर उठते हैं, सद्भाव, सेहत और शांति की उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं। जिन पर ये लहरें केंद्रित हैं, वे उन पर गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इस तकनीक से कई उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। एक अपंग व्यक्ति चलता है। डॉक्टर किविम्बी अपने उपचारक करियर में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वे उस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट था। वह इतने छोटे धर्म मत में कैद थी कि खड़ी नहीं हो सकती थी और चल नहीं सकती थी। वह डर और अज्ञान की कब्र में रह रही थी। क्योंकि उसने बाइबल को शब्दशः लिया, इसलिए इससे डर गई। किविमे ने कहा कि इस कब्र में
वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति बंधनों को तोड़ने तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरों से बाइबल का एक प्रसंग का अर्थ पूछा तो जवाब पत्थर जैसा मिला। फिर वह जीवन की रोटी की भूख महसूस करने लगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसके मामले का निदान करते हुए कहा कि उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया है, इसलिए वह बाइबल के उस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाई है। इससे उसके शरीर में भारी और मंद भाव आ गया जो लकवे में बदल गया। इस मोड़ पर क्विम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या मतलब है। उन्होंने पूछा, थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और फिर मैं उस परमपिता के पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। जॉन चैप्टर 7 पैरा 33-34। उसने जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए। क्विम्बी ने उसे इसका वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़े समय रहने का मतलब उसके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला की हालत पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगला कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। क्विम्बी ने बताया कि इसका इशारा हम सभी में मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। क्विम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवी संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार व्यक्ति में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने सकरे संकुचित विश्वास में रोगग्रस्त मौजूद हो जबकि मैं स्वस्थ हूं। इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला और उस महिला के दिमाग का कायापलट हो गया। वह बिना बैसाखियों के चलने लगी। क्विम्बी ने कहा कि यह उनके सभी उपचारों में सबसे अनूठा था। वह बिल्कुल गलत थी और उसे सजीव करना या सत्य समझाना मुर्दे को जीवित करने जैसा था। क्विम्बी ने ईसा मसीह के पुनर्जीवन यानी रेसरेक्शन को उस महिला के खुद के स्वास्थ्य पर लागू किया। इसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। क्विम्बी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार किया था वह ऐसा देवदूत या विचार था जो डर, अज्ञान और अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का देता था। इससे ईश्वर की उपचारक शक्ति मुक्त हुई जिसने उसे स्वस्थ कर दिया। आदेश विधि। हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया को हमारे पक्ष में चलाने वाली शक्ति है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इसमें और ज्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने आदेश विधि यानी डिक्री मेथड का इस्तेमाल एक युवक पर किया जो लगातार उसे फोन करके तंग कर रहा था और डेटिंग पर चलने के लिए दबाव डाल रहा था। उससे छुटकारा पाना युवती को बहुत मुश्किल लग रहा था। जब वह उसके ऑफिस में भी आने लगा तो युवती समझ गई कि अब उसे तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाना होगा। दिन में कई बार वह खुद को शांत अवस्था में लाकर बार बार यह आदेश देने लगी, मैं जे आर को ईश्वर के लिए मुक्त करती हूँ। वह हर समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ और वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द असीमित मस्तिष्क में पहुंचकर इसे वास्तविक बना देंगे। ऐसा ही हो। उसने बताया कि युवक उसकी जिंदगी से तत्काल गायब हो गया। वह उस युवती को दोबारा नहीं देखा। वह कहती है, ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निगल गई हो। तुम किसी चीज का आदेश दोगे तो वह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। जॉब चैप्टर 22 पैरा 28। वैज्ञानिक सच्चाई से लाभ लें। पहला,
मानसिक इंजीनियर बने और अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई और समय सिद्ध तकनीकों का प्रयोग करें। दूसरा, आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। तीसरा, चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें, मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से। चौथा, आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरें बना सकते हैं। पांचवा, वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने यह साबित न कर दें कि आपकी चेतन सोच पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। छठा, अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर रखें वह उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमाण न हो। सातवां, एक मानसिक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। आठवां, प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग ना करें। उन्हीं दी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं और इस एहसास के साथ सोने जाएं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। नौवां, याद रखें कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। दसवां, सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है, और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ग्यारहवां, ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। बारहवां, आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि के आदेश दें। अध्याय सात, अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभिशप्त होंगे। आपके अवचेतन की प्रक्रियाएं हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है। यह हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। अधिक व्यापक व उदात्त जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन से ही उत्पन्न होते हैं। आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन से आते हैं। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया तथा अग्निकांड हुआ। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे वे भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उनमें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने उसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं।
रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वह उनके लिए कहानियां खोजे। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे। स्टीवेंसन ने बताया कि उनके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कहानी सीरियल की तरह टुकड़ों में दी। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी बातें व्यक्त करता है जिनके बारे में आपका चेतन मन जरा भी नहीं जानता है। मार्क ट्वेन ने बताया कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है, आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतरक्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्यपूर्ण सिस्टम्स के बीच भी उसी तरह की अंतरक्रिया की जरूरत होती है। सेरिब्रोस्पाइनल या स्वैच्छिक तंत्र चेतन मन का अंग है। स्वतंत्र तंत्र यानी ऑटोनोमिक सिस्टम अवचेतन मन का अंग है। स्वैच्छिक तंत्र द्वारा आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं और शरीर की गतिविधियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण करते हैं। इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को कई बार अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। इसकी गतिविधि के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं जिनमें सेरिब्रल ब्रेन स्टेम और एमिग्डेला शामिल हैं। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों के साथ अपने संबंध होते हैं और वे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, चाहे सचेतन जागरूकता ना हो। ये तंत्र अलग अलग या एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब खतरे की अनुभूति सेरिबलम के स्विचिंग केंद्र पर पहुंचती है तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अवचेतन एमिग्डेला दोनों को भेजे जाते हैं। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने से पहले ही व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरों पर प्रतिक्रिया करने लगे। मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का एक आसान तरीका यह एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के संवेगों के अनुरूप मूंखला है। आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है जो आपका रचनात्मक साधन है। इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे आंखें, कान, दिल, लिवर, ब्लैडर आदि, तो आप पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है ताकि सामंजस्य में काम हो सके। वे आदेश लेने और मास्टरमाइंड यानी चेतन मस्तिष्क के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। एकल कोशीय जीव के अध्ययन से यह पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या चलता रहता है। हालांकि एकल कोशीय जीव में कोई अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह गति, पाचन, पोषण, उत्सर्जन के मूलभूत कार्य करके मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रमाण देता है। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। यह एक तरह से सच है। मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है।
आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के निहित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपके अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और यह अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहें या ना चाहें, यह दिन रात काम करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। यह बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है, जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर दैवीय मानदंड हैं, जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं? सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर सामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है। नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती हैं। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहां भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहां जीवन है। जहां जीवन है, वहां सामंजस्य है, और जहां सामंजस्य है, वहां आदर्श स्वास्थ्य है। अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के सकारात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अंततः बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया, तो शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं, बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है। रीढ़ की टीबी ठीक हुई। पॉट्स डिजीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है।
इंडियाना के इंडियापोलिस में रहने वाले फेडरिक एंड्रयूज को यह बीमारी हो गई। इससे वह अपाहिज हो गया और पैरों से नहीं चल सकता था। उसे हाथों तथा घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टरों ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। एंड्रयूज को यह फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसे उसने कई दिनों बार बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण कर लिया। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। उसके अवचेतन मन ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है। अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। मार्क चैप्टर 10 पैरा 52। अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है। हर रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और यह कहते हुए सुना, चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक यह बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, यह तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहराव, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में यह विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंखों की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब यह आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। समीक्षा के बिंदु। 1. अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे आपका काम करता रहता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। 2. सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपें, यह उसे कर देगा। 3. अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर यह वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। 4. जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। 5. आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सच करना चाहते हो। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। 6. आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। 7. स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत हैं। 8. ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं,
जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। 9. आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। अध्याय 8, मन चाहे परिणाम कैसे पाएं। सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। हर व्यक्ति यह बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये हैं विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने साथ साथ अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपें। तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने के बजाय ज्यादा दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का यह कारण भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हों, जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूं। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते हैं ना ही पीछे हटते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगहें बता दें। वह बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहां पहुंचेंगे। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप
फल मिल जाता है, आराम से काम अच्छी तरह होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलाया जो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या? बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा, तुमने किया क्या है? बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है। इस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचकाकर बोला, मैंने उस टूटे पुर्जे के आपसे सिर्फ $2 ही लिए हैं। मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2? वह चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हुए हैं। सही है, मैकेनिक बोला, बाकी $198 तो यह जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है, वह सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह से होता है। विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोच कर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लें कि अंतिम परिणाम क्या होगा। अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे यह सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। यह कभी न भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन करने का पैमाना है। आपको नए विचार को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना चाहिए, भविष्य में होने वाली घटना की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे यह दरअसल इसी समय हो रही हो। इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह है। ज्यादा कड़ी मेहनत करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इच्छा शक्ति का जरा सा भी प्रयोग न करें। इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने, समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। इसका प्रतिरोध करें। समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। आपकी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है? अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा कि हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। सफल प्रार्थना के लिए 3 मूलभूत कदमों की जरूरत होती है। पहला, समस्या को स्वीकार करें या मानें। दूसरा, समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। और तीसरा, गहन विश्वास की शांति अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। खुद से यह न कहें, काश मैं ठीक हो जाता या मुझे उम्मीद है यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा। मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगी।
अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहें, यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं? एमाइल कुए मशहूर फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान लें आपसे जमीन पर रखे एक संकरे पटिए पर चलने को कहा जाए, आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान लें वही पटिया 20 फुट की ऊंची दीवारों के बीच में रखा हुआ है, तो आप क्या उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं। पटिए को पार करने की आपकी इच्छा कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिए पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है कि पटिए पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय प्राप्त करने या इसे दबाने की कोशिश करेंगे और गिरने का विचार उतना ही मजबूत होता जाएगा। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देता है कि आप में शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप हरे हिप्पोपोटामस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इस निर्णय से हरा हिप्पोपोटामस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्वीकार कर लेगा। शायद यह आप सोच रहे हो कि मैं सेहत चाहता हूं, मुझे यह क्यों नहीं मिलती है? मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा, या मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको यह एहसास करना होगा कि आपसे कहां गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश ना करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज की विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज्यादा अच्छा है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? मान लें आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं। आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कोरी कॉपी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज्यादा कोरा है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया है। आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद नहीं आता है। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति करते हैं, लेकिन का आवाहन आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं ज्ञान उतना ही ज्यादा दूर पहुंच जाता है। कठित होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वे अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं जब आपको उसकी जरूरत थी। आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए
आपने प्रार्थना की थी। इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना यह मान लेना है कि कहीं ना कहीं विरोध है। बहरहाल विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। अगर आपका ध्यान मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाओं पर केंद्रित है तो इसका मतलब है कि यह आपके मनचाहे परिणाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। बाइबल में कहा गया है, अगर आप में से दो लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगें, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। Matthew 18:19। ये दो कौन हैं जिनके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच के सामंजस्य पूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक हैं। जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलेगा। जो दो लोग सहमत हैं, वे हो सकता है कि आप और आपकी इच्छा हो, आपका विचार और भावना या भाव हो, आपकी इच्छा और कल्पना हो। अपनी इच्छाओं और कल्पना में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उनींदी अवस्था में पहुंचना है, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उनींदी अवस्था में काफी हद तक डूब जाता है। आपके अवचेतन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं जो आपकी इच्छा को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती हैं। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा देते हैं। वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह होगा और अवश्य होगा। शारा जी नामक एक युवा महिला बड़ी हताशा में मेरे पास आई। वह एक लंबे जटिल मुकदमे में उलझी थी जिसकी तारीखें बढ़ती जा रही थीं और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसकी सबसे गहरी इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी। बहरहाल उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियेपन और गरीबी से भरी थी। परिणाम वैसा ही मिला जैसी कुएं ने भविष्यवाणी की थी। उसकी कल्पना शक्ति उसकी इच्छा पर हावी हो गई और मुकदमा टलता रहा। मेरे सुझाव पर शारा हर रात सोने से पहले खुद को उनीदी निष्क्रिय अवस्था में ले आती थी और अपनी समस्या के सबसे अच्छे संभावित अंत की कल्पना करने लगती थी। वह इसकी भरसक कोशिश करती थी। वह जानती थी कि उसके दिमाग की छवि अंततः उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी। निष्क्रिय होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके से यह कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है, परिणाम के बारे में सवाल पूछ रही थी और उससे स्पष्टीकरण सुन रही थी। उसने सुना कि वकील उससे बार बार कह रहा था, मुकदमे का कोर्ट से बाहर समझौता हो गया है, यह बिल्कुल उचित समाधान है। दिन में जब डर के विचार उसके दिमाग में आते थे तो शारा वकील से मुलाकात का मानसिक वीडियो टेप चला देती थी जिसमें शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना, उसने यह इतनी ज्यादा बार और इतनी निष्ठा की से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फोन किया। उसने वही कहा जिसकी वह कल्पना कर रही थी और मुकदमे में समझौता सच मान्य हो गया और वह जानती थी कि समझौता उचित ही होगा। यही भजनकार का मतलब था जब उसने लिखा था, मेरे शब्द यानी आपके विचार और मानसिक छवियां और मेरे हृदय का मनन यानी आपकी भावना, प्रकृति, भाव आप स्वीकार करें हे ईश्वर, अर्थात आपके अवचेतन मन का नियम, मेरी शक्ति और मेरे उद्धारक अर्थात आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता
जो बीमारी, बंधन तथा दुख से आपका उद्धार कर सकती है। भजन 19:14। याद रखने लायक विचार। पहला, मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं, आराम से काम अच्छी तरह होता है। दूसरा, जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने। 3, पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। 4, अपने दिलों की धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित न हो। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें और यह बार बार दावा करें कि सही काम हो रहा है। 5, सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? 6, कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। 7, उन्नीति अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें।